तो अगर आप भी अपने फ्री फायर आईडी का लेवल अप करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप भी अपना फ्री फायर आईडी का लेवल जो है बहुत ही जल्दी जल्दी इंक्रीज करो, आप भी अगर नया नया यहाँ पे खेलना स्टार्ट किए हो और आप चाह रहे हो कि अपना आईडी का लेवल अप जल्दी जल्दी करो, तो यार ये वीडियो आप ही के लिए है। तो यार मैंने जो है फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया है कुछ ही दिन पहले और मैं जो है अभी 33 लेवल में पहुंच चुका हूं। यार वीडियो को जो है विदाउट स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देख लेना। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं, लेवल अप से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं, जिससे आप भी जो है अपने फ्री फायर आईडी का लेवल अप जो है कर सकते हो स्पीडली, बहुत ही ज्यादा लेवल अप कर लोगे यार आप। तो यार मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल एचसी। तो यार वीडियो जो है बहुत ही काम की होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यार हमारे चैनल पे जो है इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका लेवल अप होता कैसे है। तो फिलहाल मैं आपको अपने प्रोफाइल में लेके चले जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या है। तो आप देख सकते हो यार मैं जो है 34 लेवल में हूँ और मैं जो है ज़्यादा दिन से गेम खेल नहीं रहा हूँ, मतलब नया नया मैं जो है खेलना स्टार्ट किया हूँ और बहुत ही जल्दी मैंने जो है 34 लेवल टच कर लिया है। तो आप जो है अपने लेवल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे अपने लेवल के ऊपर तो आपको यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आपको जो है इसी एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना है। जैसे ही आपका ये एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा तो आपका लेवल भी अप होगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, देख सकते हो अभी मेरा एक्सपीरियंस इतना है 65014 और मैं जो है अभी 34 लेवल में हूँ और मुझे जो है 35 लेवल में जाने के लिए, 34 के बाद 35 आएगा, तो 35 लेवल में मुझे जाने के लिए मुझे इतना एक्सपीरियंस चाहिए 69994। मैं अगर इतना एक्सपीरियंस कर लेता हूँ तो मैं जो है 35 लेवल में पहुँच जाऊँगा। अभी देख सकते हो मेरा इतना है। तो आपको जो है लेवल अप के लिए अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप जल्दी एक्सपीरियंस को बढ़ाओगे, जितना जल्दी आप एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर पाओगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका लेवल अप भी जो यहाँ पे अप होगा, लेवल भी आपका बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप कलेक्ट कैसे कर पाओगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप जो है जल्दी लेवल अप कर पाओगे। तो सबसे पहला इसका ट्रिक तो ये है कि आपको जो है हमेशा कोशिश करना है कि आप जो है यहाँ पे रैंक मैच खेलो, यहाँ पे जो है क्लासिफाइड रैंक भी खेल सकते हो, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है रैंक मैच जो क्लासिक में होता है, ये वाला रैंक मैच अगर आप खेलोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और खेलना तो है बट करना क्या है वो आप लोग सुनो। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना है, आपको जो है गेम को इंड तक लेकर के जाना है, इंड जोन तक लेकर के जाना है। आप जो है अच्छे तरीके से लूट लो, मिड किट्स वगैरह रख लो और आपको जो है लास्ट जोन तक पहुंचना है, टॉप 5 टॉप 3 के अंदर आपको यहाँ पे आना है। और आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो है बोया अगर आप ले पाओगे, अगर आप अच्छा खासा प्लेयर हो, खेल पाते हो अच्छा खासा, तो कोशिश करो कि आप हर मैच को जो है बोया तक लेके जाओ, बोया लेकर के आओ। अगर आप रैंक मैच खेलोगे और आपने अगर मान लो 10 किल कर लिया तुरंत और आप अगर मर जाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है यार। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करना है और अपने गेम को जो है इंड तक लेकर के जाना है, मतलब लास्ट जोन तक लेके जाना है, लास्ट सर्कल तक लेके जाना है। हमेशा कोशिश करना है कि आपको जो है टॉप 5 के अंदर में ही आना है और बोया भी लेना है आपको। तो जितना ज्यादा आप सर्वाइव करोगे ना रैंक मैच में, उतना ज्यादा आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको जो है हर मैच के इंड में यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं, एक मेरा ये क्लैश स्क्वाड का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने जो है 14 किल्स किया था और जो है बोया भी हमने लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे जो है 235 एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ पे गोल्ड भी मिलता है प्लस आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है मैच के इंड में। और अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है क्लैश स्क्वाड में इतना ज्यादा नहीं मिलता आपको एक्सपीरियंस, जितना आपको अभी दिख रहा होगा मेरा यहाँ पे 235। इतना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस इस वजह से मिला है क्योंकि यार मैंने जो यहाँ पे डबल एक्सपी कार्ड को जो है यूज किया था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये डबल एक्सपी कार्ड क्या होता है। तो अगर आप भी उसे यूज करोगे ना, आपको जो है मैच के इंड में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपका लेवल अप जल्दी होगा। तो आपको जो यहाँ पे स्टोर में जा करके यहाँ पे आइटम्स में देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देख सकते हैं ईएक्सपी कार्ड 100% यहाँ पे लिखा हुआ होगा और ये जो है 100 डायमंड का आता है और ये आपको 7 डेज के लिए मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डबल एक्सपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ मैच,
तो अगर आप डायमंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास डायमंड्स है, तो आप इसे जो है परचेस कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि अगर आपको मैच के एंड में अगर 100 एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो अगर आप ये कार्ड को खरीदोगे तो आपको जो है 7 डेज के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आपको 100 मिल रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट 200 मिलेगा। और अगर आप रैंक में अगर बुया ले पाओगे, तो अगर आपको 400 वहाँ पे एक्सपी मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे डबल हो जाएगा वो, और आपको यहाँ पे जो है 800 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा जल्दी आप यहाँ पे कलेक्ट करोगे एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा जल्दी आपका यहाँ पे लेवल अप होगा। मैंने तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। और अगर आपके पास यहाँ पे डायमंड्स नहीं है और आप डायमंड्स में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो आपको ये फ्री में भी मिलता है। फ्री में कैसे मिलता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कोई गिल्ड में ज्वाइन कर लेना, अगर आप गिल्ड में नहीं हो तो। ये आपको गिल्ड में आपको जो यहाँ पे फ्री में मिलता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम करके रखा है, यहाँ पे 50% एक्सपी कार्ड मुझे जो यहाँ पे अपने गिल्ड में मिला था। मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने इसमें भी वॉल्ट में भी जाके दिखा देता हूँ। ये अभी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर अप्स में, यहाँ पे 4 डेज रिमेनिंग यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे पास अभी भी जो है एक्सपीरियंस कार्ड जो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% एक्सपीरियंस कार्ड, और ये 4 डेज के लिए अभी वैलिड है। तो ये मुझे जो है फ्री में मिला है मेरे गिल्ड से। तो 50% है तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं यार, यहाँ पे ये 50% सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक्सपीरियंस। और अगर आप वहाँ पे स्टोर में जाकर परचेस करते हो डबल एक्सपी वाला कार्ड, तो आपको एकदम डायरेक्ट डबल मिलेगा। अगर 200 एक्सपीरियंस मिलने वाला होगा ना आपको, तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे 400 मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है अगर आप खरीदते हो डबल एक्सपीरियंस कार्ड को। आपके पास डायमंड नहीं है तो आप यार फ्री में भी यहाँ पे ले सकते हो अपने गिल्ड से, और ये आपको रैंक इंक्रीज करने पे ही मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका जो भी रैंक होगा अगर आप उसे इंक्रीज करोगे तो ऊपर भी आपको यहाँ पे ये मिलता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हो अभी जो है मैं गोल्ड 1 में हूँ यार, गोल्ड 1 में हूँ। आप लोग जज मत करना यार, क्योंकि यार मैं खेलता नहीं हूँ, मैं जो है क्लैश स्क्वाड ज़्यादा खेलता हूँ, मुझे पसंद है ज़्यादा क्लैश स्क्वाड। मैं जो है क्लासिक रैंक मैच जो है ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता यार इस वजह से। तो इस वजह से मैं अभी गोल्ड 1 में ही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अगर मैं गोल्ड 2 में यहाँ पे जाऊँगा, तो मुझे जो यहाँ पे 3 डेज के लिए यहाँ पे 50% एक्सपीरियंस कार्ड मुझे जो है मिलेगा। तो इसी तरह से आप जो है यहाँ पे जैसे जैसे अपना रैंक इंक्रीज करोगे, आपको यहाँ पे रैंक इंक्रीज करने पर भी मिलता है कार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप प्लेटिनम 1 में पहुँच जाओगे, तो आपको जो यहाँ पे 50% एक्सपीरियंस कार्ड फिर से मिलेगा 3 डेज के लिए। यहाँ पे टाइम लिमिट 3 डेज का है। इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे अपना रैंक भी इंक्रीज करना है, इससे भी आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड फ्री में मिल जाए। तो आपको जो है करना कुछ नहीं, आपको बस माइंड में इतना रखना है कि आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। तो आप जो है ज्यादा कोशिश करो कि आप जो है रैंक मैच खेलो, क्लासिक रैंक मैच, और मैच को जो है पूरा एंड तक लेकर के जाओ। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप बोया ले पाओगे ना, तो यार आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मिलता है एक्सपीरियंस अगर आप बोया ले लेते हो तो। तो किल करने के पीछे मत पड़ो यार, आप जो है मैच में सर्वाइव करने का सोचो, मैच को बोया करवाने का सोचो। किल करने से कुछ फायदा नहीं है यार। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।